इस देश में बाइक चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने टशनबाजी के चक्कर में सामने वाले की गांड फाड़ देना, ये तो चूतियापंती है ना साहब। आज बात होगी दो नौजवानों की। पहले नौजवान है जो गुजर चुके हैं, अगस्त चौहान। अब कुछ बोलेंगे, भाई वो मर चुका है और तुम ऐसे रोस्ट वीडियो बना रहे हो, एक माँ का लाल चला गया, एक माँ का बेटा चला गया है और तुम ऐसे रोस्ट वीडियो बना रहे हो, तुम्हें शर्म वरम नहीं है। भाई रोस्ट वीडियो नहीं है, और एक बात बता दूं, उस माँ के लाल ने जब बाइक सीखी होगी ना तो कईयों की लाल करी होगी उनके ऊपर चढ़ा के। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। मान लो तुम सड़क पे अपने पापा के साथ जा रहे हो और साइड में चल रहे हो, और पीछे से एक बाइक वाला आता है 100 से ऊपर की स्पीड में और तुम्हारे पापा को हवा में उड़ा देता है, तो तुम पहले बाइक देखोगे कि ये कौन सी सुपर बाइक है, या अगस्त चौहान को देखोगे कि ये एक यूट्यूबर है? पहले तो अपने पापा को ही देखोगे ना, नहीं थोड़ा दिमाग लगाओ। और ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है भाई के ऊपर, ये एक सबक एक को और सीख सबको। अब देख लो, माँ बाप इतनी वो करते हैं बच्चों के लिए, वो करते हैं, और मतलब पापा भी नॉर्मल ही होंगे भाई जब देखो, क्योंकि भाई मेहनत करके आता है बंदा। और पाप ने रोगण बना रखी है बाइक ना इस समय। अरे हैं पापा रोगण चलाते हैं भाई। भाई, इसके तो पापा भी खंडारी हैं। बस अंकल जी यही गलती कर दी आपने, अगर आप अपने बेटे को तेज चलाने के नुकसान बताए होते तो आज आपका बेटा जिंदा होता। खैर भगवान शांति दे, सीरियसली कह रहा हूँ, शांति दे। इस बंदे की आवाज सुन लो। बाबू भैया, बाबू भैया, बाबू भैया। लेट मी कॉल आनंद मिश्रा आईपीएस। अब व्हाट्स योर नेम? यू शुड रिस्पेक्ट। अनुराग भाई, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सॉर्टेड, 5 मिनट में गाड़ी छूटेगी भाई। तो चलाने वाले भैया से लेकर के एक एमएलए तक बाबू भैया की जान पहचान है आज की डेट पे। निकल अरे भैंड निकल। खैर भाई, आज की डेट में सबसे तगड़ा राइडर वही जो 200 से ऊपर गाड़ी चलाए, चालान कटने में पुलिस वालों को अपनी सोर्स दिखाए। खैर एक सस्ता मीटअप रखने के चक्कर में पुलिस वालों के पूछने के बावजूद वो बोले फैंस अपनी गांड मराए, मैं नहीं जानता इन्हें कौन है भाई, है मुझे नहीं पता, चढ़ा दो इन पे। पूरी कॉलोनी वाले कंप्लेंट कर रहे तुम्हारी। मैं क्या कह सकता हूँ सर? ये क्या कर सकते हो? ऐसा होता है क्या? ये क्या कर सकते हो? पुलिस के आने के बाद जो ये कह दे फैंस अपनी गांड मराए, यही तो राइडर है और कौन है राइडर, यही तो राइडर है और कौन है राइडर। इन भाई साहब राइडर को देख के लौंडे इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो पापा से डिमांड कर देते हैं एक सुपर बाइक की। अब चाहे पापा की उनकी किस दे दे के पापा की गांड फट जाए, लेकिन उन्हें बनना है बाबू भैया का राइडर। चाहे बाबू भैया एक झापड़ में नीचे गिर जाए, चाहे बाबू भैया एक झापड़ में धरती चाट ले, लेकिन बनना है बाबू दा राइडर। अगर तुम एक पक्के वाले राइडर हो और पुलिस से तुम्हारी भसड़ ना हो तो तुम फिर काहे के राइडर? तुम तो फिर चूत मारी के हो, राइडर थोड़ी ना। गाड़ी छूटेगी भाई। देखो मेरी भाई से कोई दुश्मनी नहीं है, भाई से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये चेक करो बॉयज, फाइनली हमारी हाइलेक्स आगे से भी पूरी अपनी हो चुकी है। अगर इस वीडियो पे ना 20,000 कमेंट में ना तो हम लोग Z100 लेकर के आएंगे। क्या भैया, लेकिन भयंकर लग रही है ना उस बाइक का ना, हाईवे पे एक्सीडेंट हो चुका है एंड ही इज नो मोर विद अस। बहुत बुरा लगा यार ये चीज सुन करके। नहीं 10 दिन रुक जाओ, फिर हम नई बाइक लेकर के पहुंच जाएंगे डुकाटी। अच्छा जो भी लड़की मेरे को बाबू बोलेगी ना ब्लॉग में, मेरी तरफ से पर्सनल शाउट आउट मिलेगा। साले कवारे सांड लो। यहाँ एक राइडर मर गया है और दूसरे राइडर को कार खरीदने से ही फुर्सत नहीं है, इसे तो बस फुर्सत है बैकग्राउंड में चूत मारी वाला सॉन्ग लगा के लोगों को इमोशनल करके चूतिया बनाने का। 1 मिलियन लोग तो इसे ऐसे देख रहे जैसे भैंचोद इनकी कार हो। एक चक्कर मांग लिया ना तुमने इससे, इसके टट्टे इसके बालों को में बाहर आ जाएंगे। वो पहले दिन थोड़े हल्के में ले रहे होते हैं। लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले बेफालतू में चलान काटते हैं, वो चलान इसलिए नहीं काटते ताकि वो सरकार को दे, कुछ चलान इसलिए भी काटे जाते हैं ताकि ऐसे राइडर धीरे चलाएं, ताकि ऐसे राइडर से किसी सामने वाले को दिक्कत ना हो। बाइक और कार को सुविधा के लिए यूज करा जाता है, ना कि किसी को दुविधा में लाने के लिए। अरे अपने आप को मौत के घाट उतारने में कौन सा राइडर है ये? ध्यान रखो घर पे तुम्हारी माँ भी इंतजार करती है, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा उस बेटे की लाश सामने दिखेगी तो क्या बीतेगी उस पे? उसका तो बेटा चला गया ना, लेकिन इस भाई को तो कार खरीदने से फुर्सत नहीं है, क्या करें? बाबू भैया एक है इतना अच्छा ब्रांड मैनफोर्स कॉफी ब्लेयर कॉन्डम का। बाबू भैया को मैंने कॉन्डम ब्रांड कह दिया, बाबू भैया उस कॉन्डम ब्रांड के चक्कर में कार खरीद लेगा। बाबू भैया एक गरीब इंसान है, लेकिन उस गरीब बाबू भैया कार खरीद लेगा। बाबू भैया को एक लड़की ने धोखा दे दिया, लेकिन उस बेवफाई के चक्कर में बाबू भैया कार खरीद लेगा। अबे तो बाबू भैया है ढीला लंड जो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, चाहे टेढ़ा करो सीधा करो। बस मेरी जान आज के लिए इतना ही, और अगस्त चौहान भाई के लिए सही में दिल से श्रद्धांजलि, और मैं चाहता हूँ जहां भी रहे भाई खुश रहे और
बस उनके माँ बापों को इतना स्ट्रांग बनाए कि वो झेल पाए इस चीज़ को। मुझे पता है उनके घर में खाना भी नहीं बना होगा बेटे के उसमें चक्कर में, क्योंकि भाई पापा भी वो थे ये भी थे। देखो मेरे उससे कोई नहीं है, लेकिन मैं ये सिखाना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो से कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी।